तो ये जो राजा महाराजा उपाधि है, ठीक है, इस समय तक आते आते ये उपाधि कौन लेता था? सामंत, ऐसे समझो। और सामंत लेते थे इसका मतलब ये कुशाणों के सामंत रहे होंगे, बात समझिए। मंत्र लेते थे इसका मतलब ये कुशाणों के सामंत रहे होंगे, बात समझिए। हम कह रहे हैं ना कुशाणों के रहे हो, हालांकि एविडेंस हम लोग के पास नहीं है, लेकिन मतलब अंतिम समय में, जब यहां पर इस समय कुशाण सत्ता नहीं है, कुशाण सत्ता लगभग 230 ईस्वी के आसपास खत्म हो गई थी। उसके बाद मुरुंड, एक हमें जानकारी मिलती है, मुरुंडों का शासन था जो कुशाणों के रिश्तेदार थे, तो मुरुंड शासन करते हैं 230 से 250 के आसपास, और उसके बाद से गुप्त भूमिका भूमिका बनने लगती है। श्रीगुप्त और घटोत्कच युद्ध के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है गुप्तों के उत्तरवर्ती अभिलेखों में, तो हमको यह पता चलता है कि इन लोगों ने महाराजा राजा महाराजा टाइप की उपाधि ली थी, और ये उपाधि कोई सामंत ही लेता, और सामंत उसे कहा जाता है जो स्वतंत्र सत्ता का मालिक ना हो। स्वतंत्र सत्ता यानी कि गुप्त राज्य की स्थापना नहीं हुई, ये वंशावली प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसे समझ लो। ये क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, यहां तक बात समझ में आ रही? इनका जो स्थान है वो उत्तर प्रदेश है ना? अगर हम इनके स्थान की बात करें, इनकी गतिविधियों का केंद्र कहां है, तो वो पूर्वी उत्तर प्रदेश है। इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में, अगर किसी राजा को तलवार
होशियारी, लेकिन उसे सीधे अपने नियंत्रण में नहीं लिया, नियंत्रण में नहीं लिया, है ना? तो क्या किया? करद राज्य बनाए। तो जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनको करद राज्य बनाया, अर्थात करद राज्य क्या होता है? कर देने वाले। तो सीधा नियंत्रण में नहीं लिया, क्योंकि देखो वो जानता था कि अगर हम सीधा नियंत्रण में लेंगे ऐसा हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि दक्षिण भारत बहुत दूर है और बार बार हम विद्रोह दबाने देंगे, ठीक है? और उसकी इन सब विजयों की जो गाथा है वो हरिशेण ने एक अभिलेख लिखा, जिसको हम प्रयाग लेख के रूप में या प्रशस्ति के रूप में जानते हैं। ये जो प्रयाग लेख है, ये अशोक वाला प्रयाग लेख है, उसी में हरिशेण ने जो कहा वो उत्कीर्ण कराने का जो कार्य है वो तिलक भट्ट ने किया था। क्या लिखना है वो ये बता रहा है, और किसने लिखा वो ये है, और ये अभिलेख वही है जो अशोक का है, प्रयाग लेख जिसमें रानी कारूबाकी का उल्लेख है, पुत्र तीवर का उल्लेख है, ठीक है? क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त ने जब भारत पर भारत में साम्राज्य विस्तार किया तो उसको हम पांच भागों में देख सकते हैं। जैसे अगर हम पहले भाग की बात करें तो जो गंगा यमुना दुआब है, यहां पर वो विक्ट्री विजय करता है, और गंगा यमुना दुआब में जिन राजाओं को वो जीतता है तो राजाओं को नहीं जीतता है, वो उनका पूर्ण उन्मूलन करता है, मतलब जड़ से खत्म। अब वो गुप्त क्षेत्र हो गया, तुम राजा थे खत्म, ठीक है? तुम राजा थे खत्म, अब हम हैं। तुम राजा थे तो तुम कह रहे तुम्हारा क्षेत्र था, जब तुम ही नहीं हो तुम्हारा क्षेत्र क्यों? अभी गुप्त का क्षेत्र। दिमाग देखिए, मतलब उसने अपने आसपास कोई ऐसे लोग नहीं पनपने दिए आसपास कि जो राजा कहलाए ना, ठीक है? दूसरे पार्ट में उसने क्या किया, जैसे बंगाल है, असम है, नेपाल है, इनको जीता, इनको जीत लिया, इनको शांत कर दिया, अब हम आ गए, ठीक। तीसरे में उसने आठवीं क्षेत्र अर्थात जंगली क्षेत्र, इनको जीता। ये जो जंगली क्षेत्र है ये मौर्यों के समय से अपनी सत्ताएं बनाए हुए थे, और मौर्यों के समय ये जो जंगली क्षेत्र थे ये लगभग स्वतंत्र थे, ठीक है? लगभग स्वतंत्र से आशा है कि मौर्यों ने इनको स्वायत्तता दे रखी थी। हाँ, ये कर पहुंचाते थे मौर्य राजा को, लेकिन मौर्य राजा इनके क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करता था। जो जंगली क्षेत्र थे वहां के लोग सेना में भर्ती हो जाते थे। तो समुद्रगुप्त ने कहा कि ना, जो पीछे चलता रहा है वो नहीं, अब यहां से शुरू करो, सबको ले लो, कोई मतलब नहीं। तो जो उत्तर भारत का एक जंगली क्षेत्र में मान लो छोटे छोटे जंगली क्षेत्रों के राजाएं पूरी तरह से अपने में मिला लिया, उसके बाद तीसरे चौथे नंबर पे कि जो दक्कन है यानी कि दक्षिण, यहां 12 राजाओं को हराया, लगभग पूर्वी दक्कन मान लो, इसमें पल्लव राजा भी है उनको भी हराया। उसके बाद उत्तर पश्चिम में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर हल्के फुल्के रूप में कुषाण और शक सत्ताएं चल रही थी, कहा चलो भाई इनको भी हटाओ। अब ये अचरज की बात है कि जब उसने पूरे उत्तर भारत पर गौर किया तो पश्चिम में रहने वाले जो शक हैं उनको क्यों छोड़ दिया? या तो वो चर्चित नहीं थे, या वहां जाना समुद्रगुप्त ने उचित नहीं समझा, या उसको समय नहीं मिला, क्योंकि इतना सब करने में काफी समय निकल गया होगा। तो इस तरह से समुद्रगुप्त ने गतिविधियां अंजाम दी और एक मजबूत गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, और कमोवेश इसी प्रकार की जो दक्षिण नीति है ना, इसी प्रकार की, इनको साम्राज्य में मिलाया नहीं था, ये है करद राज्य, कर देने वाले राज्य, ठीक है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए अब देखो, हाँ, ये भी ध्यान रखना कि जो समुद्रगुप्त है इसके समय श्रीलंका के राजा हैं मेघवर्ण, ठीक है? इन्होंने एक बौद्ध विहार बनवाने की आज्ञा मांगी थी, इनका नाम याद रखिएगा। और दूसरा कि समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहते हैं,
दरबार में नौरत्न थे, नौरत्न वाली आई है। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने विजय भी की और इन्होंने वैवाहिक संबंध के माध्यम से भी अपने साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान की। पहली चीज तो इन्होंने लड़ाइयाँ कौन कौन सी करी, तो जैसे अगर कहा जाए तो 400 वर्षों से शासन कर रहे शकों को उखाड़ फेंका, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन ने किया, तो वाकाटक से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, शकों को पराजित किया इन्हीं की हेल्प लेके, है ना। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त ने वैवाहिक संबंध युद्ध दोनों किए, दोनों एक उदाहरण के सामने है, और अच्छे से अशोक प्रस्थान चलाने का प्रयास किया, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि पश्चिम के जो शक थे, तो पश्चिम के शक लगभग 400 वर्षों से शासन कर रहे थे, उनको उखाड़ फेंका। प्रभावती गुप्ता का वाकाटक राजा से विवाह कराया, राजा की हो गई मृत्यु, तो इन्होंने प्रभावती को पूछ लिया कि भैया तुम रासत्ता संभालो, पुत्र को बैठा के नाबालिग, बाकी हम तो हैं, हम तो देख लेंगे। एक पक्का क्षेत्र वाकाटक, थोड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश का, थोड़ा महाराष्ट्र का, वो क्षेत्र भी नियंत्रण में रहा। अब दिल्ली में एक लौह स्तंभ मिल जाता है जिसमें चंद्र नाम के एक व्यक्ति का उल्लेख है, तो कुछ इतिहासकार ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये चंद्र अलग है और चंद्रगुप्त द्वितीय अलग है, लेकिन चंद्र के बारे में बहुत जानकारियां उपलब्ध नहीं हो पाती, और कुछ जानकारियां ऐसी उपलब्ध होती हैं जो चंद्र और चंद्रगुप्त दोनों से मिलती जुलती हैं, इसलिए अंततः चंद्रगुप्त द्वितीय को और चंद्र को एक ही मान लिया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, कि जो उज्जैन है इसको सेकंड कैपिटल बनाया था, ठीक है, पाटलिपुत्र राजधानी चली आ रही है, ये सेकंड कैपिटल है, सेंटर में चारों तरफ नजर रख सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। और जो इसके समय का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि इसी के समय चीनी यात्री आया, ठीक है, चीनी यात्री पायान आया था। अच्छा, अब जरा देखना, पायान जब भारत आया तो उसने क्या किया, पायान धर्म पुस्तकों की खोज करने आया था, बौद्ध धर्म की, और बौद्ध धर्म के स्थलों को घूमने आया था। जब वो भारत आया तो उसने राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, उसने कहीं भी ये नहीं लिखा कि इस समय भारत का राजा कौन है, राजनीति के इतिहास उसने लिखा ही नहीं, उसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में तो नाम उल्लेख नहीं किया। 399 से 414 ईस्वी तक वो रहा लगभग 15 वर्ष, लेकिन उसने ये उसका यात्रा का समय कहते पूरे 15 वर्ष, और राजा का नाम ना बताना ना लिखना ये अजीब बात है। वहीं पर अगर हम समाज की बात करें तो समाज के लिए बहुत कुछ कहता है, ब्राह्मण प्रदेश है, ब्राह्मण मांस और मदिरा, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, मांस मदिरा छूटे तक नहीं है, और आम लेन देन जो है वो कौड़ियों के माध्यम से होता है, तो कहीं ना कहीं ये इस बात का सूचक है कि आम लेन देन में अगर कौड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब कि मुद्रा की कहीं ना कहीं कमी होना शुरू हो गई थी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा कि चतुर्थ पायान के यात्रा विवरण में वो ढेर सारी किताबें यहाँ से ले गया, बौद्ध धर्म से प्रभावित था, अशोक से प्रभावित था, अशोक को जानता था, उसका महल देखा उसने, महल को जब बुरी हालत में देखा तो परेशान हुआ, राजगृह में गद्यकूट पर्वत पर बैठकर रोने लगा, इतना दुख हुआ उसे, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि इतनी अच्छी अच्छी बातें करने वाले महात्मा बुद्ध के अवशेष और उनको मानने वाले लोगों के अवशेष का को व्यवस्थित तौर पर रखा गया होगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं देखा। तभी वो कह रहा ब्राह्मणों का देश, तब यहाँ आके उसकी आंखें ये खुली कि बुद्ध भले ही यहाँ पर पैदा हुए हों, लेकिन यहाँ धर्म जिसका जिस धर्म का बोलवाला है वो वैदिक धर्म है, और गुप्त राजा भी वैष्णव थे, तो ये भी हो सकता है उसकी चिड़ का विषय हो। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य बौद्ध होते तो यही पायान हो सकता है उनके दरबार में भी जाता और 50 प्रकार की बातें भी कहता, वो भी अच्छी अच्छी बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इनके बाद कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त प्रथम राजा बनते हैं, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम जो जब राजा बनता है तो सर्वाधिक अभिलेख हम लोग को किसी के मिले हैं, सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के, ठीक है। दूसरा कि कुमारगुप्त जो है इसी ने इसी को श्रेय दिया जाता है नालंदा विश्वविद्यालय की, इसी के समय स्थापना हुई, ठीक है, और इसने मयूर प्रकार के सिक्के चलाए थे, ठीक है। इसका लुप्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसका जो भित्री स्तंभ लेख है इससे हूण आक्रमण का पता चलता है, और इसी स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ लेख है इसमें उसी सुदर्शन झील का उल्लेख है जो हम लोग कर चुके हैं, आपको उस समय भी हमने स्कंदगुप्त नाम लिया था ना, इसका जीर्णोद्धार इसके समय हुआ स्कंदगुप्त के समय, ठीक है। अच्छा, इसने बैल प्रकार के सिक्के चलाए,
ईस्वी का, हिरण अभिलेख है। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें सती प्रथा का उल्लेख है। ठीक है, तो सती प्रथा का उल्लेख करने वाला ये पहला फर्स्ट अभिलेख है ना, सती प्रथा का अभिलेख ही साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला ये पहला अभिलेख है। पहली बार सती प्रथा को किसी हम लोग पढ़ते हैं कि लिखा गया सती प्रथा के बारे में, वो भी ऐसा लिखा गया कि पत्थर लिखा गया है ना, कोई कॉपी किताब होती तो हो सकता नष्ट हो जाती। ठीक है, भानुगुप्त के समय एक युद्ध हुआ था, उसे भारतवर्षीय युद्ध कहा जाता है। उसमें इसका जो सेनापति था गोपराज, वो युद्ध में मारा गया था, उसकी पत्नी सती हुई थी, इस बात का विवरण है। ठीक है, चलिए। और फिर धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य है वो अपने पतन की ओर आगे बढ़ जाता है। पतन इसलिए होता है क्योंकि लगातार घूर्ण आक्रमण होते रहते हैं उत्तर पश्चिम और भारत के, ये मान के चलो भारत का जो उत्तर प्रदेश से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान हरियाणा दिल्ली